नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। का आरोप, हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की गिरफ्तारी पर लगाए रोक। प्रयागराज, दिल्ली में 30 सितंबर को इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड कार्यक्रम को लेकर 37 लाख रुपयों की ठगी के आरोप में सिने स्टार सोनाक्षी सिन्हा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस नाहिदार मुनीस और जस्टिस वी के श्रीवास्तव की पीठ ने सोनाक्षी की याचिका पर सुनवाई के बाद आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले यूपी के मुरादाबाद में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सहित 5 लोगों के खिलाफ 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक कटघर इलाके के शिवपुरी गांव निवासी प्रमोद शर्मा ने बीते 24 नवंबर को मुरादाबाद के एसएसपी से सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ शिकायत की थी। प्रमोद के मुताबिक उन्होंने दिल्ली में 30 सितंबर को इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें अवार्ड बांटने के लिए सोनाक्षी को आना था। पढ़े, सोनाक्षी की धोखाधड़ी के बाद शख्स ने खाया जहर। एक्ट्रेस समेत 5 पर केस दर्ज। खाते में जमा किए गए थे 32 लाख रुपए। इसके लिए प्रमोद ने टैलेंटफुल और कंपनी से करार किया था। प्रमोद का दावा है कि सोनाक्षी की निजी सचिव मालविका पंजाबी से बातचीत के बाद उन्होंने 32 लाख की रकम उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी थी, पर एन वक्त पर सोनाक्षी ने कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। इसके बाद वादी ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। आत्महत्या की कोशिश के बाद दर्ज हुआ केस। आरोप है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की थी, लेकिन जांच कर रहे क्षेत्राधिकारी टाल मटोले करते रहे। इसके बाद वादी ने 13 फरवरी को जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसके इस कदम के बाद थाना कटघर में धारा 420, 120 बी, 406, 34 IPC में FIR दर्ज की गई। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाए रोक। FIR में सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, धूमिल कक्कड़, एडगल सिकारिया को नामजद आरोपी बनाया गया था। इस FIR को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सोनाक्षी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।